हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जनरल साइंस के केमिस्ट्री के पार्ट 12 की, जिसमें फिर हम जैसे कि कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में देख रहे हैं, उस तरह से आज हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं पहले हम एक्सप्लोसिव्स के बारे में। ठीक है, कुछ विस्फोटक के बारे में, जिनमें वन लाइनर क्वेश्चन जो है व्यापम के एग्जाम्स हों या पीएससी के प्री वगैरह में जो है इस तरह के क्वेश्चन, वन लाइनर फैक्ट्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए चलिए बात करते हैं आज एक्सप्लोसिव की, विस्फोटक की। इसमें सबसे पहला नाम है देखिए डायनामाइट। डायनामाइट, डायनामाइट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, खोज किसने की थी इसकी, तो सब इसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नर्ड नोबल, आपको नाम पता ही होगा। ठीक है, इन्हीं के नाम पे जो है नोबल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी डायनामाइट की, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट नाम जो है वो है TNT। TNT क्या होता है, तो TNT का सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए TNT का, तो ट्राई नाइट्रो टाओलिन। ट्राई नाइट्रो टाउलिन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TNT। ठीक है, ये किसका मिक्सचर होता है, तो देखिए H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो H2SO4 प्लस एंड HNO3 द मिक्सचर ऑफ दीज टू एसिड्स इज़ TNT, ट्राई नाइट्रो टाउलिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास TNP। TNP क्या है, तो ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पिक्रिक एसिड, जो पिक्रिक एसिड जो आपने पढ़ा था वही जो है ट्राई नाइट्रोफेनॉल कहलाता है, जो कि ये क्या है, एक्सप्लोसिव है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जो है वो इसको जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो देखिए साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन। ठीक है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन, ये आपको नाम याद रखना है RDX का। ठीक है, और इसको जो है प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक एक्सप्लोसिव। ठीक है, RDX आपने नाम तो सुना होगा, पर उसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन, और इसको प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इसी का एक टाइप है C4, C4 जो होता है वो सबसे डेंजरस RDX होता है। C4 इज़ द मोस्ट डेंजरस RDX। ठीक है, देन नेक्स्ट इज गन पाउडर। गन पाउडर जो कि सबसे पुराना एक्सप्लोसिव है, सबसे पुराना एक्सप्लोसिव है, हिस्ट्री वगैरह में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा गन पाउडर के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे पुराना एक्सप्लोसिव, जो सबसे पुराना विस्फोटक है वो गन पाउडर ही है। ठीक है, नॉर्मली जो है ये क्या होता है, तो सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, सोडियम हो या पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, नॉर्मली ये गन पाउडर होता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, सबसे पुराना एक्सप्लोसिव आपको याद रखना है ये गन पाउडर। देन एक होता है PLX। PLX क्या होता है, देखिए तो पिकेटिन लिक्विड एक्सप्लोसिव है ये। पिकेटिन लिक्विड एक्सप्लोसिव जो होता है, सामान्य रूप से जो आत्मघाती दस्ते वगैरह जो होते हैं, आत्मघाती दस्ते जो होते हैं हमले वगैरह करते हैं, इसमें इसका प्रयोग जो है इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, PLX का, पिकेटिन लिक्विड एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखें, पिकेटिन लिक्विड एक्सप्लोसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर, बहुलक। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीमर की बात करते हैं, बहुलक देख लेते हैं क्या होते हैं। तो देखिए वो पहले होते क्या हैं, तो देखिए एक से अधिक मोनोमर्स जो है मिलके, कई सारे मोनोमर्स जो है मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटेड मोनोमर्स। ठीक है, तो कई सारे मोनोमर्स मिलके जो है क्या बनाते हैं, जो है पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलीमर होते हैं, जो बहुलक होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, जो कि प्राकृतिक बहुलक कह सकते हैं, जिसको प्राकृतिक बहुलक जो होता है वो। दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक यानी कि जो मानव निर्मित जो होते हैं पॉलीमर, बहुलक होते हैं। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल क्या क्या हैं, तो आपका रबर हो गया, रबर जो कि पेड़ वगैरह से डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है, रबर हो गया। ठीक है, फिर डीएनए भी एक तरह का पॉलीमर है। ठीक है, आरएनए जो हो गया ये पॉलीमर है। ठीक है, इसके अलावा वूल, ऊन जो होता है ये भी पॉलीमर है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक बहुलक में आ गया, नेचुरल पॉलीमर होते हैं, इसके एग्जांपल हैं। तो ये एग्जांपल से यहीं से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तीन नाम दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, या कोई एक नाम दिया, बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, तो आपको कुछ नाम पता होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सिंथेटिक पॉलीमर की बात करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर में आपको PVC, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन और प्लास्टिक। ठीक है, PVC हो गया, बेकेलाइट हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर के यानी कि मानव निर्मित जो है बहुलक जो होते हैं उसके एग्जांपल हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ये जो प्लास्टिक है दो तरह का होता है, दो तरह से बनता है। ठीक है, देखिए एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक,
ठीक है, फर्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? तो देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं इसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप इसको मोड़ेंगे या शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। जिसको शेप वेप चेंज करने की कोशिश आप करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, बेकेलाइट हो गया आपका, टेफलॉन जो हो गया, ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। टेफलॉन वगैरह का यूज़ कहाँ होता है? तो नॉन स्टिकी आइटम्स जो होते हैं, नॉन स्टिकी जो आइटम होते हैं उस वो जो है टेफ्लॉन से बने हुए होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो बेकेलाइट होता है उसका यूज़ आपका ये जो टीवी का कवर वगैरह जो होता है, मतलब जो बॉडी होती है, ठीक है, वो बाकी कुकर का हैंडल वगैरह जो आपने देखा होगा, ये बकेट वगैरह जो होती हैं, बाल्टी वगैरह, ये जो है इसमें बेकेलाइट से बनी होती है, ठीक है। तो देखिए, इसका शेप आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? इसमें शेप को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रेनकोट वगैरह हो गया, ठीक है, या मैट हो गई या पॉलीथीन हो गई, तो इसको आप फोल्ड कर सकते हो या मोड़ सकते हो, उसके शेप में चेंज ला सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो शेप, तो ये थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। ये हार्ड नहीं होते, ये ठीक है, ये हार्ड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहीं पे रबर के बारे में, जो कि नेचुरल पॉलीमर है। जो नेचुरल पॉलीमर है रबर, रबर दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल रबर और एक आर्टिफिशियल रबर। नेचुरल रबर को ही आइसोप्रीन कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रबर इज नॉन एज आइसोप्रीन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रबर इज नॉन एज आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन कहा जाता है, ठीक है। इसका जो रबर प्राप्त कहाँ से होता है आपको नेचुरल, तो लेटेक्स प्लांट जो होता है, लेटेक्स का जो पौधा होता है, वहाँ से आपको ये नेचुरल रबर जो है प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है मानव निर्मित जो रबर है, आर्टिफिशियल रबर जो होता है, उसको नियोप्रीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोप्रीन, ठीक है। ये क्लोरोप्रीन का जो है पॉलीमर है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो थर्माकोल वगैरह होता है, थर्माकोल आपने देखा होगा, ठीक है, तो थर्माकोल वगैरह जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल रबर का एग्जाम्पल है वो, ठीक है। इसी के साथ एक थायोकोल भी है। थायोकोल जो होता है ये रॉकेट वगैरह में फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। थायोकोल क्या है? ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल रबर है जो कि फ्यूल वगैरह, रॉकेट वगैरह में फ्यूल के रूप में जो है इसका प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ फाइबर की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, फाइबर यानी कि रेशा, ये भी दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी कि प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, ठीक है। दो तरह का होता है। नेचुरल के एग्जांपल देख लीजिए आप, जो जूट हो गया या कॉटन जो हो गया या सेलुलॉस जो हो गया, ठीक है, जूट, कॉटन और सेलुलॉस, ये जो होता है ये नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर जो है उसका एग्जांपल होता है नायलॉन, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, नायलॉन सिक्स, नायलॉन सिक्स सिक्स, ये सब ये आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये जो नायलॉन नाम है ये दो शहरों के नाम पे आया, एक है न्यूयॉर्क और एक लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन से बना है नायलॉन, ठीक है। फर्स्ट मैनमेड फाइबर है, मतलब पूर्ण रूप से अगर बोला जाए तो पूर्ण रूप से जो पहला फाइबर बना था मानव के द्वारा, जो बनाया गया पहला फाइबर, वो नायलॉन है, ठीक है। रेयॉन भी मानव द्वारा पहले बनाया गया था, पर इसमें कुछ अमाउंट में जो है सेलुलोज का यूज़ किया गया था, इसलिए इसको पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तो पूर्ण रूप से पहला मानव द्वारा निर्मित जो फाइबर है वो नायलॉन है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का पार्ट 12, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है, ठीक है। अब एक बार फिर से आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।